इनर जॉइंट हमें पता है कि दोनों का जहाँ पे कंपैरिजन मैच कर रहा हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपके दो टेबल्स हैं, दोनों में जो कॉमन चीजें हैं वो उठ के आ जाती हैं आपके इनर जॉइंट में। लेफ्ट जॉइंट में सिर्फ क्या होता है, हम जिस टेबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस देते हुए हम उसका डेटा तो पूरा लाएंगे, राइट पे जो मैच कर रहा है वो ले आएंगे, अगर नहीं मैच किया तो नहीं लाएंगे। सही है। और राइट जॉइन इसका ऑपोजिट है कि हम राइट पे, तो अगर मैं जो है लेफ्ट जॉइन यूज करते हुए राइट जॉइन वाला काम कर सकता हूँ अगर मैं टेबल को स्वैप कर दूं। सही है, तो दोनों सेम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में जो है वो डेटा जो मैच नहीं कर रहा है उसके साथ क्या होता है, वो नल आता है। सही है। अगर आप जो है वो इस डेटाबेस जो मैंने बनाया हुआ है उसमें देखोगे तो वहां पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के कुछ कोर्सेज हैं, ऐसे स्टूडेंट निकालने हो मुझे जो कि सिर्फ जिनका कोई भी कोर्स रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं इनर ज्वाइन नहीं यूज कर सकता उसके लिए, उसका तो स्टूडेंट कोर्सेज में रिकॉर्ड ही नहीं है। उस केस में मैं वहां पे लगाऊंगा लेफ्ट ज्वाइन, मैं स्टूडेंट के टेबल पे लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा, चेक करूंगा कि वो स्टूडेंट्स ले आओ जिनके अगेंस्ट स्टूडेंट कोर्स में रिकॉर्ड नहीं हो, यानी कि नल हो, तो आप जो इस बेसिस पे जो है लेफ्ट ज्वाइन लगा सकते हो। सही, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। और इसका ऑपोजिट मुझे वो कोर्सेज लेके आने जिसके अंदर कोई स्टूडेंट ना हो, तो फिर मैं राइट ज्वाइन करके ये काम करवा लेता या फिर टेबल को ऑपोजिट कर लेता। अब हम आ जाते हैं जो आपके पास सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन की एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो कि शायद तुम लोगों ने जब डेटाबेस पढ़ा था तब भी वही एग्जांपल दी जाती है कि एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का मैनेजर है, दोनों का एक ही टेबल में डेटा रखा हुआ है, तो हम सेल्फ ज्वाइन लगाते हैं, यानी कि टेबल का अपने आप से ज्वाइन। ये चीज यूज की जाती है, मगर दोनों को जो है आप वो एक नए टेबल की तरह ट्रीट करोगे, तो टेबल जो है वो अपने साथ जो है वो ज्वाइन लगा रहा हो तो उसे हम सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। सेल्फ ज्वाइन कोई कीवर्ड नहीं है हमारे पास, या तो वो इनर ज्वाइन यूज हो रहा होगा या लेफ्ट ज्वाइन यूज हो रहा होगा। सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो एक जो दो आखिरी आ जाते हैं वो एक है आउटर ज्वाइन या क्रॉस ज्वाइन। आउटर ज्वाइन बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो सारे रिकॉर्ड ले आओ जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाले टेबल में और उसके अगेंस्ट राइट पे कोई मैचिंग नहीं है, और उसी तरह राइट हैंड साइड वाले टेबल पे ले आओ जिनके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मैचिंग नहीं है, यानी कि नल के साथ, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ऐड कर दो तो वो आपके पास फुल आउटर बन जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी सुना है मैथ्स में? क्रॉस ज्वाइन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा कि हर एलिमेंट का दूसरे के साथ ज्वाइन होगा, तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, वन का जो है वो लिंक बन रहा है 1 2 3 के साथ, 2 का बन रहा है 1 2 3 के साथ, तो इस तरह हर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, तो कभी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे एक लोकेशन से दूसरे तमाम लोकेशंस के जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, या मुझे प्राइसेस का कंपेयर करना है तो वहां पे आपके पास जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। सही है। तो इस तरह हम जो है बेस्ड ऑन सिनेरियो आप कौन सा कब क्या ज्वाइन यूज करना है वो यूज करोगे। यूनियन यूज किया तुम लोगों ने कभी जिंदगी में? अच्छा, पहले देख लिया हमने सही आ रहा है, अब मैं यूनियन लगा लेता हूँ, ये क्यूरी चल जाएगी। सही है, क्यूरी चल गई आपके पास, कोई मसला नहीं है। अब हम कहते हैं कि हम जो है वो टेबल को जो है वो टेबल के कॉलम के नाम जो है वो नाम किसने डिसाइड किए हैं, स्टूडेंट के टेबल ने हुआ है, स्टूडेंट बैकअप के हुआ है। चलो इस चीज को समझने के लिए आसान कर लेते हैं, एक चीज होती है एलियस, तो हम एलियस भी यूज कर लेते हैं साथ साथ। तो मैं कह देता हूँ स्टूडेंट डॉट एस डॉट स्टूडेंट आईडी, अब क्या आउटपुट होगा? अब मैं जो है दोनों टेबल से सेम चीज रिटर्न करा रहा हूँ। सही है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम करवा रहा हूँ, सिर्फ ये कि मैंने पहले वाले टेबल के साथ एलियस यूज कर लिया, एसटीडी आईडी और एसटीडी नेम, और यहाँ पे मैंने कोई एलियस नहीं यूज किया हुआ, तो कॉलम के जो है वो डेटा सिंस सेम है दोनों में, तो क्या रिटर्न करने वाला है? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसे कह देता हूँ एस आईडी। सही है, एस लिख देता हूँ, दोनों एक ही बात है, मैं जो है वो इस तरह भी सिंटेक्स लिख सकता हूँ। यूनियन के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम हो, तो अगर जो है वो आपके पास पहले वाली क्यूरी में जो है मैं यहाँ पे दो कॉलम यूज कर रहा हूँ तो यहाँ दो कॉलम यूज होना जरूरी है, अगर मैं यहाँ तीन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ तीन होना जरूरी है, पहले ये चीज तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो याद कर लो। सही है। उसके अलावा एलियस जो है यूनियन के केस में हमेशा ऊपर वाली क्यूरी से डिसाइड होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे F5 करता हूँ तो ये मुझे पहली वाली क्यूरी से एसटीडी आईडी और स्टूडेंट नेम दे रहा है। तो एक और ऑप्टिमाइजेशन का तरीका ये होता है, जब भी आप यूनियन यूज कर रहे हो तो आप अपनी नेस्टेड वाली या नीचे वाली क्यूरीज में कभी भी एलियस नहीं दो,
उसके एलियस बनाने के लिए भी जो है वो सीक्वल सर्वर को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो मेहनत भी बचा लो, उसके लिए उसका कोई फायदा नहीं है। यूनियन में कभी भी नीचे वाले टेबल्स के एलियस नहीं देखेगा, वो टॉप वाले करेगा। अब जिस हमने बात की थी कि मैं यहाँ पे कॉलम्स ऐड कर देता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे जेंडर ऐड कर दिया, जेंडर हमारे पास एस डॉट आ गया, तो आपके पास ये एरर दे देगा कि आपके पास कॉलम मैच नहीं करते, सही है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे जो है वो कॉलम नहीं देना है, तो मुझे कुछ ना कुछ उसकी जगह सेम डेटा टाइप का देना जरूरी है, तो मैं कह देता हूँ कि मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा, तो वो चल जाएगा, सही है। तो आपको हमेशा जो है यूनियन में जो है वो कॉलम सेम रखने हैं। आखिरी चीज, यूनियन और यूनियन ऑल, यूनियन ऑल का भी सुना है? यूनियन यूनियन और यूनियन ऑल में सिर्फ फर्क ये है कि यूनियन के अंदर डिस्टिंक्ट का कीवर्ड बिल्ट इन है, तो वो जो है हमेशा यूनिक वैल्यूज देता है। यूनियन ऑल में डिस्टिंक्ट नहीं होता, तो वो आपके पास रिपीटिंग वैल्यूज भी दे देगा, सही है। तो अगर मैं जो है वो खुद से जो है कभी भी डिस्टिंक्ट लगा रहा हूँ, तो मुझे डिस्टिंक्ट लगाने की जरूरत नहीं है अगर मैं यूनियन यूज कर रहा हूँ। तो हम जो है वो डिस्टिंक्ट भी एक हैवी कीवर्ड है जो हर डेटा पे फिल्ट्रेशन करेगा, तो हमें डिस्टिंक्ट से बचना है, और हम ऑलरेडी यूनियन लगा रहे हैं तो वो ऑलरेडी काम कर जाएगा। तो ये कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजेशन की चीजें होती है जो आप विद टाइम सीख जाते हो, कि आपको पता है यूनियन डिस्टिंक्ट दे रहा है तो आप नहीं यूज करोगे, यूनियन ऑल कर रहे हो तो अब मुझे डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, सही है। तो इस चीज को हम जो है यहीं पे रोकते हैं, मगर नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे टॉपिक्स सीक्वल सर्वर से स्पेसिफिक रहते हैं, वो हमारे टेम टेबल्स रहते हैं, कि कितने टाइप के टेम टेबल्स होते हैं डेटाबेस में सीक्वल सर्वर स्पेसिफिकली। फिर उसके बाद हम जो है वो देखेंगे हमारे पास जो है वो इंडेक्सेस होते हैं, तो वो इंडेक्सेस जो है वो कितने टाइप के होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। फिर उसके अलावा जो है हम लोग एक और चीज देखेंगे, वो आपके पास होते हैं कि हमारे पास व्यूज, फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर और ट्रिगर्स में क्या फर्क है और किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये चीज हम लोग जो है वो नेक्स्ट वाली क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम वहां पे रैप अप कर लें।